अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यू फीचर्स के बारे में जो हमने रिसेंटली ऐड किए हैं यूनिवर्सल एफिलिएट डिज़ाइनिंग ऐप में। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फीचर ऐड करें, तो वो हमने फाइनली ऐड कर दिया है। अब ये सारा डाटा इंपोर्ट किया जा सकता है और इसको इकट्ठा एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एड न्यू टेबल, एक तो तीन कॉलम्स, छह रोज। ओह सॉरी। अब करना ये है कि चार नोट पैड्स बनाने हैं। एक का नाम प्रोडक्ट्स, एक का नाम लिंक्स और एक का नाम डिज़ाइन। सबसे पहले को ओपन किया, यहाँ पे इनके नाम्स, अब लिंक्स को ओपन किया, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट के लिंक्स, कॉपी लिंक, उसके बाद कॉपी लिंक, कॉपी लिंक, कॉपी लिंक, कॉपी लिंक, उसके बाद प्रीव्यू इमेजेस, उसके लिए डिज़ाइन, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, अगर आप लोग इसे यहाँ पर ऐड करें तो जब आप टेबल जनरेटर ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसे दोबारा रीसेट करके अपलोड करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के नेम्स, फिर एफिलिएट लिंक्स और फिर उनकी डिज़ाइन इमेजेस। और हम चाहते हैं कि जो आईडी है वो, क्योंकि हमने अपलोड नहीं की आईडी इनके लिए, वो एस सी ऑप्टिमाइज्ड हो। तो जनरेट अगर आप चाहते हैं कि सारी हेडिंग्स एक्सपोर्ट हो जाएं, तो फिर यहाँ से हम हेडिंग्स को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो हेडिंग्स एक्सपोर्ट हो गई। अब करेंगे कॉपी,
पहली हेडिंग, दूसरी, या आप सॉफ्टवेयर से चाहें तो डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, तीसरी, चौथी, और ये रही पांचवी। अब हम बटन्स को कॉपी करते हैं, पहला बटन, दूसरा बटन, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा। अब इमेजेस को, अच्छा अब इनकी हेडिंग्स, टेबल की आईडी कॉपी करेंगे, सेव चेंजेस, यहाँ पे एफिलिएट टेस्ट, तो ये देखिए हमारा एफिलिएट टेबल बन गया। अब हम बनाएंगे हेडिंग्स, तो ये प्रोडक्ट नेम हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किए हैं, ये एफिलिएट लिंक्स। अब अगर आईडी एस सी ऑप्टिमाइज रखनी है तो वो स्कीमा यस, और जो डिफ़ॉल्ट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम H3 जनरेट, या बटन्स, असल में ये स्पेस हमने रिमूव नहीं की थी, अब ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप हमारी हेडिंग्स क्रिएट हो गई हैं और ये साथ ही बटन्स भी क्रिएट हो गए। तो उम्मीद है आपको ये न्यू फीचर्स पसंद आएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।